तो ये क्वेश्चन स्क्रॉल करने के बाद मैं आपको वो तरीका ही बता दूंगा। चलें, क्या याद करेंगे जी? तो अब आप सुन लें जी कि आप इनमें से खुद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे ढूंढेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बीकॉम पार्ट वन यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स एडीसी या एडीपी पार्ट वन कर रहे हैं उनको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप गेस बताएंगे। आप परेशान हो रहे होंगे कि ये 2022 का गेस मैंने सामने रखा और बात 2023 की कर रहा हूँ। इस वक्त आपके सामने एक वीडियो का थंबनेल आ रहा है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस वीडियो को भी जाके लाजमी देख लें, आपको सारा फंडा समझ आ जाएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो 2023 में भी आपके गेस के क्वेश्चंस यही हैं जो 2022 में थे। 2022 के गेस में से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 बताए थे और नंबरिंग भी बताई थी कि पहले नंबर पे ये करें, दूसरे पे ये करें, तीसरे पे ये करें, चौथे पे ये करें, पांचवें पे ये करें, छठे पे ये करें। तो आपके गेस में से सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं। सीधी सी बात है, आप पेपर जाके चेक कर लें। ये नहीं, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए थे इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन, यानी पूरा पेपर तो नहीं, पेपर में से 5 क्वेश्चन आपने अटेंड करने होते हैं, तो 5 आपके गेस में से आ गए थे। और जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 बताए थे उसमें से ये सिर्फ 3 आए थे जी, और पहले 3 आ गए थे। कैसी बात है, अब अगर किसी ने पहले 3 ही किए होंगे तो उसके 3 तो हो गए ना कवर जी। तो अब अगर आप चाहते हैं कि 2023 में भी मैं आपको इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 सीक्वेंस वाइज बताऊं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ताकि आप, एक छोटा सा मैंने टारगेट सेट किया है 5000 व्यूज़ और 500 लाइक्स का। अगर वो पूरा हो जाएगा तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 विद सीक्वेंस बता दूंगा। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते, आपका नहीं दिल करता कि आपका फ़ायदा हो, आप जिसको वीडियो फॉरवर्ड करें उसके पास गेस्ट पहुँचे उसका भी फ़ायदा हो और मुझे व्यूज़ और लाइक्स आएंगे तो ऑब्वियसली मेरा भी फ़ायदा होगा, तो ये क्वेश्चन स्क्रॉल करने के बाद मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा। चलें, क्या याद करेंगे जी? तो ये क्वेश्चन मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इनको नोट कर लें जी। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट कर लें। इसके बाद मैं इनको रीड भी करूँगा और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन आप खुद कैसे इसी गैस में से फिल्टर करेंगे वो तरीका भी आपको बता दूंगा जी। ठीक है, आप ना करें फॉरवर्ड वीडियो को। तो पहले मैं क्वेश्चंस को रीड कर दूं जी। ये करेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं जी सोल प्रोप्रेटरशिप, पार्टनरशिप और जेंस्टॉक कंपनी के। आप इसके साथ कॉप को भी मिला लें तो ये आपका, देखें जी, 2 सवाल आ गए थे लास्ट ईयर, एक तो इसमें भी पक्का आ जाएगा फिर, तो इसका नंबर पहले ही रख लें आप। फंक्शन स्कोप ऑफ बिजनेस है जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्म और डीड, पार्टनरशिप डीड है जी, डेजिग्नेशन ऑफ फार्म और पार्टनरशिप का डिफरेंस है जी, यानी डेजोल्यूशन ऑफ फर्म और डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिफरेंस। फॉर्मेशन ऑफ जेंस्टॉक कंपनी जी, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन का डिफरेंस है जी। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स करके भी क्वेश्चन बनता है लेकिन आपको कभी आया नहीं है, कोई पता नहीं इस दफा दे दें। ठीक है जी, काइंड ऑफ कंपनीज है जी और प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस है जी। काइंड ऑफ कंपनी मीटिंग्स है जी, काइंड ऑफ शेयर है जी, काजेज एंड काइंड ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन है जी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन है और बिजनेस कम्बिनेशन का डिफरेंस भी है जी। फिर जी सोल प्रोपरेटरशिप, पार्टनरशिप, जेंस्टॉक कंपनी, कॉप और को ऑनरशिप। अब ये 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनमें से किसी भी दो का आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। वो 2022 में उसने पार्टनरशिप और को ऑनरशिप का डिफरेंस पूछा मेरा ख्याल है। तो रोल ऑफ ई कॉमर्स है जी, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है जी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरिज इंश्योरेंस है जी, फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट है जी, टाइप्स एंड रोल ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी है जी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी है जी, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस है जी, काइंड ऑफ पार्टनरशिप है जी, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स है जी। तो स्टूडेंट्स, ये हैं गेस के क्वेश्चंस। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को इंतहाई अच्छे नंबरों में कामयाबी अता फरमाए और जो क्वेश्चन मैंने आपको गेस के लिए दिए हैं आपके पेपर में क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएं। तो अब आप सुन लें जी कि आप इनमें से खुद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे ढूंढेंगे जी। तो देखें जी, जो 2022 में एनुअल में आ गए हैं और जो सप्लीमेंट्री 2022 में आ गए हैं, आप उनको छोड़ दें, बाकी कारण वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए जी। अब अगर आप सीक्वेंस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि
इनका सीक्वेंस लगाने के लिए मुझे आपके 15 से 20 साल के पास पेपर्स देखने पड़ते हैं, खंगालने पड़ते हैं, सर खपाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके सीक्वेंस बनता है। और सीक्वेंस बनेगा तो आपके टॉप 15 में हो सकता है सारे आ जाएं, लेकिन 2022 में तो सिर्फ 3 आए। चांस है, आप खुद निकाल लें, 500 लाइक्स और 5000 व्यूज़ का टारगेट पूरा कर दें। जिस सब्जेक्ट का ये टारगेट पूरा हो जाएगा उसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस विद सीक्वेंस बता दूंगा, आप उनको पहले तैयार कर लें। यानी आप पहले कौन सा करेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे, ये सीक्वेंस आपको मैं बता दूंगा। तो आखिर में मेरी फिर यही दुआ है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको गेस के लिए दिए हैं आपके पेपर में, क्वेश्चंस इन्हीं में से आएँ और आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स इंतहाई अच्छे हों और आप तमाम स्टूडेंट्स इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकअल्लाह।